नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 261 किलोमीटर लंबाई की अहमदनगर बीड़ परली रेलवे लाइन वर्ष 1995-96 में सेंक्शन हुई थी, तब से आज तक इस रेलवे लाइन का केवल 61 किलोमीटर का हिस्सा आष्टी तक का ही तैयार हो पाया है, वह भी क्षेत्र के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे जी के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। स्वीकृत होने के लंबे समय तक इस परियोजना को केंद्र के द्वारा पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई, बीच में आर्थिक कारणों का हवाला देकर इस परियोजना को राज्य के साझेदारी से बनाया जाना तय हुआ। इसके पश्चात इसके कार्य काफ़ी धीमी गति से संपन्न हुए। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इस रेलवे लाइन का महत्व समझते हुए इसको पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया, जिसके फलस्वरूप 100 किलोमीटर के हिस्से में आने वाले समय में अगले वर्ष कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल इस सेक्शन पे एक गाड़ी का शुभारंभ 23 सितंबर को काफ़ी गरिमामयी कार्यक्रम में किया गया। न्यू आष्टी स्टेशन पर यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद महोदया प्रीतम ताई मुंडे जी भी उपस्थित थे। क्षेत्रवासियों के लिए यह दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा। उनके काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में क्षेत्र में एक डेमो ट्रेन की सौगात प्राप्त हुई, जिसको रेलवे के द्वारा दोगुना कर दिया गया। हाल ही में 17 नवंबर के दिन एक और डेमो गाड़ी अतिरिक्त रूप से इस क्षेत्र में चलाई जाने लगी। अहमदनगर से आष्टी के बीच में यह गाड़ी अब प्रतिदिन 2 फेरे ले रही है, जिसका कि अहमदनगर स्टेशन पर रेल राज्य मंत्री जी के द्वारा विधिवत हरी झंडी दिखाकर 17 नवंबर को उद्घाटन किया गया। हम लोगों के लिए ट्रेन में यात्रा करना बहुत आम बात है, तथा ऐसा क्षेत्र जहां पर 27 साल के इंतजार के बाद में पहली बार रेलगाड़ी चली है, वहां के लोगों ने अपने जीवन में कभी रेल नहीं देखी थी, वहां ऐसी सुविधा मिली है तो काफ़ी खुशी की बात है। इसी का नज़ारा विगत 17 नवंबर को भी फिर से नज़र आया, जब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कासेवाड़ी और अम्बेवाड़ी स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से स्कूल के बच्चों ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ट्रेन की यात्रा करी। बच्चे अपने अपने घर से नाश्ते का टिफ़िन बनवाकर साथ में लाए और ट्रेन में यात्रा का अनुभव लिया। काफ़ी खुशी उन लोगों को पहली बार ज़िंदगी में ट्रेन में बैठकर हुई। वे लोग रास्ते भर ट्रेन के नज़ारों का आनंद लेते रहे और कड़ा धनोरा स्टेशनों पर रुकने के बाद में सोलापुर वाड़ी स्टेशन पर ये बच्चे ट्रेन से पहुँचे और वहाँ पर से शाम को सड़क मार्ग से अपने अपने घर सकुशल पहुँच गए।